नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका माथुर। दिवाली आने वाली है और शुरू हो गई है पटाखों की गड़गड़ाहट और साथ में प्रदूषण की मार। कैसे रहेंगे अब अस्थमा के मरीज, ये सवाल जेहन में आया, किसी के नहीं आया। तो हम आपके साथ आज मौजूद है सेहतनामा में आपको बताने के लिए कि कैसे दिवाली पर अस्थमा मरीज अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे बचाया जाए। बाहर जाने से बचें, एयर क्वालिटी पहले से ही खराब है, वहीं दीपावली में पटाखे जलाने के कारण प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप इस माहौल में बाहर जाने से बचें। बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगहों, मेले में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि हवा में मौजूद छोटे छोटे कण फेफड़ों और वायु मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आपकी सांस संबंधित समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, खुद को हाइड्रेट रखें। अस्थमा रोगी खुद को हर वक्त हाइड्रेट रखें। दरअसल तरल पदार्थ आपके शरीर में पहुंचने वाले विषाक्त पदार्थ को तुरंत निकाल देते हैं, इससे एलर्जी का जोखिम काफी कम हो जाता है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, मास्क लगा के रखें। घर के बाहर आसपास निकलें या छत पर जाएं तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, इससे आप खुद को प्रदूषण से सुरक्षित रख सकते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हेलर अपने साथ रखें। अस्थमा मरीजों को दिवाली के मौके पर अपने साथ अपनी दवाइयां, इन्हेलर सख्ती से साथ रखनी चाहिए। अगर आप गलती से प्रदूषण के संपर्क में आते हैं और आपको अटैक आता है तो ये इन्हेलर अटैक को बढ़ने से रोक सकता है। मिठाई और शराब से भी हमें दूर रहना चाहिए। दिवाली के दिन आपको ज्यादा मिठाइयों के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए, ये मादक पदार्थ अस्थमा के हमलों को ट्रिगर कर सकते हैं। पटाखे फोड़ने से भी हमें बचना चाहिए। अस्थमा के मरीजों को पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। पटाखों से निकलने वाला धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड एलर्जी की स्थिति को बढ़ा सकता है, जो कि दमा के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी स्टोरी के लिए भी हमें कमेंट करें। नमस्कार।